नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने का किया आह्वान। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से योग की महिमा बढ़ी। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए कल से धन हस्तांतरण पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और प्रदेश के विभिन्न भागों में गरज के साथ हुई बारिश, नवादा, शिवहर और लखीसराय जिले में वज्रपात से 3 लोगों की मौत, 12 अन्य झुलसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया। केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के तरीकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारंपरिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं। मैं विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैंपेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूं। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मीडिया के हमारे साथी हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, कथा कीर्तन करने वाले लोग हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हैशटैग जनशक्ति फॉर जल शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर गांवों में जल संकट के समाधान पर ग्रामीणों के साथ चर्चा करने को कहा है। मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए, पानी का संचय करने के लिए, वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गांव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की 22 तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया। हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने योग की महिमा और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण देकर बताया कि जापान, इटली और कई अन्य देशों में योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जापान योग निकेतन को लीजिए, जिसने योग को पूरे जापान में लोकप्रिय बनाया है। जापान योग निकेतन वहां के कई इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग कोर्सेज चलाता है। या फिर इटली की मिस एंटोनिटा रोजी, उन्हीं का नाम ले लीजिए, जिन्होंने सर्व योग इंटरनेशनल की शुरुआत की और पूरे यूरोप में योग का प्रचार प्रसार किया। ये अपने आप में प्रेरक उदाहरण है। लोकतंत्र के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए संविधान आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 61 करोड़ लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया। ये संख्या अमेरिका और यूरोप की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया में शामिल अत्यधिक संसाधनों और श्रम शक्ति का भी उल्लेख किया। लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जहां अर्धसैनिक बलों के करीब 3 लाख सुरक्षा कर्मियों ने अपना दायित्व निभाया, वहीं अलग अलग राज्यों के 20 लाख पुलिस कर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की। इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया। स्वागत समारोह में लोगों से फूलों के गुलदस्तों की बजाय पुस्तकें देने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद की कहानियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन कहानियों के संदेश सभी के लिए प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम फिर शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार जैसे वातावरण में यह सीधा साधा कार्यक्रम जीवन और समाज में बदलाव का जरिया है। मन की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, जो खूबसूरती इस मन की बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 40 घंटे बोला है, 40 आवर्स ऑन मन की बात 54th एपिसोड को जोड़ लें तो 40.5 घंटे होते हैं। एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने कोई राजनीतिक बातचीत नहीं की है, यह हमको समझना चाहिए।
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व पर जोर देने को एक दूरगामी पहल करार दिया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार भी जल संचयन पर काफी जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि जल संचयन से घटते भूगर्भ जल को बचाने के साथ साथ सिंचाई और पेयजल की बढ़ती चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में बन रहे नए रोपवे को जल्द से जल्द पूरा करने का संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने 3 दिवसीय नालंदा दौरे पर आज राजगीर में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए विश्व शांति स्तूप के 50वीं वर्षगांठ की तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने नवादा जिले के गोविंदपुरी पहाड़ी स्थित ककोलत जलप्रपात और हरदिया डैम का निरीक्षण करने के बाद कहा कि जल्द ही इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में कल दीवार गिरने की घटना में मारे गए कटिहार के 12 मजदूरों सहित 15 लोगों के शवों को आज एयर एम्बुलेंस से बागडोरा लाया गया, जहां शवों को उनके निकटतम परिजनों को सौंप दिया गया। आज मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कटिहार के सांसद दुलालचंद गोस्वामी और विधायक महबूब आलम ने मृतक मजदूरों के परिजनों को सांत्वना दी है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि मृतक के निकटतम परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेज दी गई है। कल से बैंकिंग सिस्टम में 3 बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए 1 जुलाई से धन हस्तांतरण करना सस्ता हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के हस्तांतरण पर कोई भी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। वहीं स्टेट बैंक से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को रेपो रेट कम होने का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा बैंकों में बेसिक अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को भी चेकबुक के साथ अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में 18 सेंटीमीटर, त्रिवेणी में 8 सेंटीमीटर, बगहा में 6 सेंटीमीटर और मुजफ्फरपुर में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। इधर बारिश के दौरान बिजली गिरने से नवादा, शिवहर और लखीसराय जिले में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य झुलस गए। भारी बारिश से वैशाली जिले में कई मिट्टी के घर भी नष्ट हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया सहित अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान वज्रपात के साथ बारिश होने की भी संभावना है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालय सबौर को कतरनी चावल के विकास के लिए 3,74,00,000 रूपये उपलब्ध कराए जाएंगे। नालंदा जिले के पनहेसा शरीफ गांव में तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया श्रीनगर मुख्य पथ पर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए 4 लुटेरों को 2 देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और चोरी की 4 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने का किया आह्वान। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से योग की महिमा बढ़ी। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए कल से धन हस्तांतरण पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और प्रदेश के विभिन्न भागों में गरज के साथ हुई बारिश, नवादा, शिवहर और लखीसराय जिले में वज्रपात से 3 लोगों की मौत, 12 अन्य झुलसे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today called upon people to start a mass movement for water conservation and resolve to save every drop of water amid water scarcity in several parts of the country. He said an awareness campaign should be started which should not only focus on water-related problems but also propagate ways to save water. Mr. Modi was addressing the nation through the Mann Ki Baat program on All India Radio for the first time after assuming office for the second term. Prime Minister Modi also requested the people to share traditional methods that have been in use over the centuries for conservation of water. Mr. Modi also requested the people to share the information concerning people who are making significant contributions towards water conservation. He urged people to use the hashtag JanShakti for JalShakti to share the content of the matter. Listing the initiatives taken by the people for water conservation in many parts of the country, the Prime Minister said there cannot be a single formula for dealing with water crisis throughout the country.
Keeping the importance of water in mind, Mr. Modi added that a new Jal Shakti Ministry has been created in the country to allow faster decision-making on all subjects related to water. He said he wrote letters to all the sarpanchs and Gram Pradhans asking them to convene a meeting of the Gram Sabhas and discuss the solution to water problem with the villagers. Talking about International Day of Yoga, which was celebrated recently, Mr. Modi said awareness about holistic health care has enhanced the glory of yoga. He stressed that healthy and sensitive denizens are required to build a healthy society, and yoga ensures this very principle. Highlighting the importance of democracy, the Prime Minister stated that in order to ensure smooth conduct of the social order, our constitution is required. He added that India can proudly proclaim that beyond laws and rules, democracy is embedded in his culture and a part of his heritage. He said during emergency there was an outrage on the conscience of all and the collective torment of the loss of democracy was evident. Urging the people to choose books over flowers in welcome or felicitation ceremonies, the Prime Minister mentioned the stories written by famous Hindi writer Prem Chand and said the messages are still relevant. The second anniversary of the Goods and Services Tax GST will be celebrated tomorrow. It was launched on the 1st of July 2017 at a function held in the Central Hall of Parliament on the midnight of 30th June 2017. Minister of State for Finance and Corporate Affairs Anurag Thakur will preside over the function to be held in New Delhi to mark the occasion. Finance Minister in a release today said a book on GST for MSME will also be released to mark the occasion. Distinguished officers who have put in hard work in the implementation of GST will be awarded GST commendation certificates. Fund transfer through RTGS and NEFT systems is set to become cheaper from tomorrow after the Reserve Bank of India decided it will not impose any charges on such transactions. The real-time gross settlement RTGS system is meant for large value instantaneous fund transfers, while the National Electronic Funds Transfer NEFT system is used for fund transfers of up to 2 lakh rupees. Currently, the RBI levies minimum charges on banks for transactions routed through its RTGS and NEFT system. Banks in turn levy charges on their customers. India has proposed 11 to 14 July to Pakistan to hold a fresh round of talks on the Kartarpur corridor. Sources in the External Affairs Ministry said India had proposed new dates for talks on the issue and it shows India's commitment to the corridor. In November 2018, Pakistan had agreed to set up the border crossing link Gurdwara Darbar Sahib in Kartarpur, which the final resting place of the Sikh faith founder Guru Nanak, to Dera Baba Nanak in Punjab's Gurdaspur district. There have been 3 technical level discussions between India and Pakistan over the project so far. In Odisha, heavy to very heavy rainfall is likely to occur at some places in Bhadrak, Jajpur, Jagatsingpur, Kendrapara, Katak, Dhenkanal and Mayurbhanj districts to the next 48 hours. The Met Department said heavy rainfall is expected to occur at some places in Baleswar, Kyonjhar, Sundargarh, Devgarh, Sambalpur, Angul, Puri, Khurda, Ganjam, Koraput, Malkangiri and Nabrangpur districts. In squash, India won gold today as Veer Chotrani beat compatriot Yash Farte to win the under-19 title at the Asian Junior Championship in Macau, China. It was a contest of fluctuating fortunes until Veer held his nerve to beat Farte 11-5, 9-11, 11-7, 9-11, 11-7. In the other two finals, India bagged 2 silver medals through Neil Joshi in the boys' under-17 category and Yuvna Gupta in the girls' under-15 section. In the ICC Cricket World Cup, England have set a challenging 338-run victory target for India at Birmingham. Chasing the target, India were 31 for 1 in 11 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.